दोस्तों अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ पे दिखाया जाता है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट कब मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कैसे करते हैं, रिडीम करते समय उसकी वैल्यू क्या होती है। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि मैं अपना करूँगा और आपको क्लियर कर दूंगा मुझे कब मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसको यूज कैसे करते हैं, अमेजोन वाले में जाके चेक कैसे करेंगे, या कौन कौन से हमें वाउचर मिलते हैं, कितने पॉइंट पे हमें कितने रुपए का वाउचर मिलता है, एक्स वाई जेड सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल सा SBI कार्ड अप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन कर लेना, जो कि आप लोग बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, जो कि आप लोग कर भी सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर चाहे वहाँ से चेक भी कर पाएंगे। जैसे ही आपका फर्स्ट इंटरफेस देखेंगे आप लॉगिन करने के बाद, आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो लास्ट पेमेंट आपने कितना किया, अभी पेमेंट कितनी करनी है और आपकी टोटल लिमिट क्या है। और यहीं पर आप देखिए रिवॉर्ड सैमरी, ठीक है, रिवॉर्ड सैमरी भी आपको दिखाया जाएगा, यानी कि टोटल आपके पास कितना रिवॉर्ड पॉइंट है अभी, आप बिल्कुल इजीली यहीं पर देख पाएंगे, जिसके लिए आपको अभी कहीं नहीं जाना है। और यहाँ पर आपको रिडीम करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो ये तो हमें पता चल गया हमारे पास रिवॉर्ड पॉइंट कितना है, अब इसे रिडीम करने का क्या प्रोसेस है, इसके लिए सिंपल सा मोरो पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है, रिवॉर्ड्स पे क्लिक कर देंगे, या जो साइड में 3 लाइन दिख रहे थे वहाँ पर भी आपको रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपके टोटल रिवॉर्ड्स पॉइंट दिखाए जाते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपके टोटल रिवॉर्ड्स पॉइंट्स कितने हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इसकी हिस्ट्री वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री में आपको वही दिखाया जाता है जो रिवॉर्ड पॉइंट आपके ट्रांसफ़र आपने अगर किए होंगे, ट्रांजेक्शन किए होंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं किए रहेंगे नहीं होगा। अभी तक मैंने कोई भी नहीं किया इसलिए नो ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अभी अगर आपको रिवॉर्ड करने पॉइंट को आपको रिडीम करना है तो सीधा आपको रिडीम वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वाउचर शो किए जाते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कंपनियों के होते हैं, जिसमें कि अमेजोन वाउचर हो गया आपका हो गया, इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे आपको और बुक माई शो का वाउचर हो गया, तो इस तरीके के वाउचर होते हैं जो अभी आपको यूजफुल लगे आप उसको रिडीम कर पाएंगे यहाँ पे। हालांकि मेरे को अमेजोन पे गिफ्ट वाउचर यहाँ पे इसको बनाना है ताकि मैं उसको जाकर अपने अमेजोन एप्लीकेशन में किसी भी आइटम को बाय कर पाऊँ, यानी कि मैं शॉपिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए अगर मैं 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को अपने 2000 रिवॉर्ड्स को यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी कि मेरे 2000 रिवॉर्ड्स यहाँ कट जाएंगे तो मुझे 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। टोटल मेरे अकाउंट में 570 रिवॉर्ड पॉइंट हैं, इन सभी को मैं यहाँ पर रिडीम करूँगा, तो यानी कि 2000 कम से कम होना चाहिए, 2000 रिवॉर्ड पॉइंट से कम है तो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, 2000 रहने पर आप 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर के लिए यहाँ पर रिडीम कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके बाद साइड में देखिए आपको कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, रिडीम कार्ड का, यहाँ पर मतलब आपका जो ये आइटम है यानी कि 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर आपके कार्ड में आ चुका है। कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अगर हम इसको हल्का सा बैक जाएंगे तो आपको देखेंगे जो कार्ड होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हमारे कार्ड में जाके सेव हो जाता है ऐड द कार्ड, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक कार्ड का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है कोने पर, देखिए आप तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आप कार्ड में जो बैलेंस था यानी कि 500 रुपये हमने वाउचर को यहाँ पर ऐड कर लिया है और इसके लिए मेरे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर कट जाएंगे। और इसके लिए आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, आपकी क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। जैसे कि मेरे केस में 5000 है तो सिर्फ मैं 2 ही रिवॉर्ड पॉइंट कर पाऊँगा, जिसके लिए 4000 कटेंगे, बाकी के मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स सेफ पड़े रहेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लिया है, 2 को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा मैं आगे कर दूंगा इसको, कंटिन्यू पे क्लिक, कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे कुछ डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो की जाती है, उसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अपडेट भी कर सकता हूँ या चाहूँ तो उसको कंटिन्यू आगे कर सकता हूँ। इसी ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर में मैसेज के द्वारा ईमेल के द्वारा मेरे को बताया जाएगा कि मेरे जो भी रिडीम मैंने किया है पॉइंटों को, इनका जो भी बैलेंस है उनका नंबर वगैरह दिया जाएगा, उनको यूज करने का तरीका, उनका पिन वगैरह सब कुछ सेंड किया जाएगा। दोस्तों ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मेरे को मिले हैं, ये मैंने 2 बार पेमेंट को अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किया था, ट्रांसफ़र करने के उपलक्ष्य में बदले में मेरे को 2575 दो बार में करके 5070 रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिला। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से बैलेंस को ट्रांसफ़र करना जिसमें आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने पे सिर्फ मेरे 250 रुपये लगे थे क्रेडिट कार्ड से, इसके बारे में डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर पाएंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सिंपल सा प्रोसेस था, जहाँ पर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिले हुए थे उनको मैंने रिडीम कर दिया है। अब बात ये आती है कि जब मैंने इसको रिडीम कर दिया, कितने समय के बाद ये मेरे को बैलेंस शो होगा, या फिर अब मेरे को अमेजोन में कैसे जाके देखना पड़ेगा, अमेजोन में जाके मैं कैसे चेक कर पाऊँ, इस चीज़ को जानने के लिए आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो इन प्रोसेस दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये इन प्रोसेस काफ़ी समय तक दिखाया गया था, जबकि मैंने चेक किया काफ़ी देर के बाद, चेक करता रहा, एक घंटे के बाद चेक किया, दो घंटे बाद चेक किया, फाइनली दोस्तों मेरे को करीब करीब पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे जाकर मेरे पास कुछ मैसेज आया। दोस्तों पूरा दिन वेट करने के बाद अगले दिन मेरे पास मैसेज आता है। पहले बार तो जो मैसेज आता है वो SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से आता है, जिसमें लिखा है डियर अमर सिंह, कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रिसीव अमेजोन ई वाउचर फ्रॉम SBI कार्ड। SBI क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे को यहाँ पर जो वाउचर है वो मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली कर दिया गया है, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर वाउचर का नंबर भी दिया गया, पिन भी दिया गया और उसकी वैल्यू भी दी गई, जिसमें 500 रुपये की वैल्यू होती है और जो इसका वैलिडिटी है वो 1 साल की, यानी कि अगले साल तक के लिए है। इस तरीके के 2 वाउचर थे, मैंने जैसा कि आपने देखा होगा मैंने 2 क्वांटिटी को सेलेक्ट किया था 500-500 रुपये का, जिसके लिए मैंने 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को वहाँ पे किया था, उसके बदले मेरे को करीब 500 यानी कि 1000 रुपये का वाउचर मिल चुका है 500-500 रुपये करके, ठीक है। ये तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है और मैं आपको मेल पर भी चेक करवाता हूँ, ये मेल पर भी आया हुआ है और इसको मैं रिडीम करने का भी प्रोसेस पूरा बता दूंगा कि अब इसको अमेजोन में हम कैसे वहाँ पे डालेंगे, यानी कि अमेजोन में हम कैसे इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन यूज कैसे करेंगे या अमेजोन में कैसे शो होगा उसका भी प्रोसेस मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी अपनी ईमेल आईडी पर आ चुका हूँ, ईमेल आईडी पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वाउचर बारे में बताया गया है कि जो कि ब्रांड का नेम है अमेजोन, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अमेजोन ई वाउचर जिसकी फेस वैल्यू होती है 500 रुपये। यहाँ पर देखिए QR कोड भी दिया गया है, यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर पिन भी दिया गया है और ये एक्सपायर कब तक होंगे इसका भी डिटेल आपको यहाँ पर मैसेज में भी आ गया था, यहाँ साथ साथ ईमेल आईडी पर भी आ गया था। चलिए अब मुद्दे वाली बात करते हैं, इसको अमेजोन में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अमेजोन पे हम इसको कैसे चेक कर पाएंगे। दोस्तों गिफ्ट वाउचर को आप अमेजोन में जाके इस तरीके से बैलेंस को ऐड कर पाएंगे। सिंपल सा आपको वेबसाइट पे या फिर अमेजोन के एप्लीकेशन में जाना है, योर अकाउंट पे सिंपल सा कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे की साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन गिफ्ट ऐड योर कार्ड बैलेंस, ठीक है, यानी कि आपका जो गिफ्ट वाला कार्ड मिला हुआ, जो गिफ्ट नंबर मिला उससे हमें यहाँ पे बैलेंस को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस बिल्कुल 0 है, मैंने वहाँ से सिर्फ कार्ड का नंबर यहाँ पे कॉपी कर लिया था, जो मेल आईडी पे दिया गया था, मैसेज दिया गया था और यहाँ पे सैंपल सा मैंने लाके पेस्ट करके ऐड योर बैलेंस पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ऐड योर बैलेंस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे 500 रुपये यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी लाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा या फिर कार्ड का जो नंबर दिया गया था वहाँ पर उस नंबर को लाकर मैं यहाँ पे सैंपल से डाल दूँगा। जैसे ही मैं डालूँगा यहाँ पर देखिए जो मेरा बैलेंस है वो ऐड हो जाता है और मैं ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में अगर जाके देखता हूँ तो साथ के साथ ही मेरे अमेजोन पे लेटर में ये बैलेंस जाके ऐड कर दिया जाता है, जिसका मैं यूज बिल पेमेंट रिचार्ज कोई भी आइटम को बाय करने के लिए हर जगह पे यूज कर पाऊँगा। जैसे देख सकते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो साथ के साथ ऐड हो जाता है, उसके लिए वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, मेरे 500 रुपये आ चुके हैं। ऐसे ही सेम मैं दूसरे वाले वाउचर को भी यहाँ पर ऐड करूँगा तो देखेंगे 1000 रुपये मेरा यहाँ पर ऐड हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करके आप अपने बैलेंस को यहाँ पर इजीली ऐड कर पाएं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जहाँ पर आप अपने रिडीम पॉइंट को यूज करते हुए बैलेंस को भी यूज कर पाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही यूजफुल होगी। इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।